नमस्ते हमारे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है अनीता जी की लाडो पिटिया में। और मैं हूँ शिवांगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं ना जा रही हूँ ट्रीट लेने। तो मतलब मेरे एक फ्रेंड का बर्थडे था, बहुत दिन पहले बर्थडे था, तो उन्हीं लोगों की ट्रीट अभी पेंडिंग है। तो हम सब लोग ना हो नहीं पा रहा था, मिलना जुलना नहीं हो पा रहा था, क्योंकि एग्जाम, ऑफिस, कॉलेज, सब लोग मतलब इधर उधर बिजी रहते हैं, सब ग्रुप वाले लोग। तो आज हम लोग फ्री हुए, मतलब अभी होली, एक होली की छुट्टी चल रही है ना, उसी में ही आज हम लोगों ने प्लान बनाया कि आज ही मिल लेते हैं, आज ही ट्रीट दे देते हैं। तो वो क्या बोलते हैं, A7 रेस्टोरेंट है शायद, वहीं उसने बुलाया, कपूरथला पे, चौराहे पे ही है बिल्कुल। और उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और थोड़ा ब्लॉग आगे ब्लॉग ब्लॉग बनाऊंगी, तो पूरा बने रहिएगा। हो सकता है वो लोग इस ब्लॉग में ना भी दिखे, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल, मेरे कुछ दोस्त लोग नहीं रहते हैं ब्लॉग में आने के लिए, तो इसलिए मैं ज्यादा उनको फोर्स भी नहीं करती हूँ। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करिएगा। और अब तक अगर आपने मेरे होली ब्लॉग्स नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए, डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और अभी मेरे इतनी हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, और मैं कहीं भी बिना मिलने नहीं गई हूँ इस बार, किसी से भी मिलने नहीं गई हूँ, मिलने जाऊंगी भी नहीं, इतना ज्यादा थक गई हूँ। सिर्फ उन्हीं लोगों से ट्रीट लेनी और उनको गिफ्ट देना उसका, इसीलिए मैं जा रही हूँ खाली। तो चलिए चलते हैं वहां, आप लोगों से मिलते हैं। सो गाइज, यहाँ पे मैं पहुंच चुकी हूँ AY7 रेस्टोरेंट, कपूरथला, अलीगंज, लखनऊ में है। इसका प्रॉपर एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। इसकी टाइमिंग की बात करें तो 10 बजे से लेके रात के 10 बजे तक रहता है। वैसे ही कपूरथला चौराहे से थोड़ा सा मतलब आगे आप आएंगे तो आपको ऑन रोड पे मिल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे है। तो यहाँ अनलिमिटेड बुफे एट 149 रुपीज में है, और 5% आपकी GST भी लगेगी। तो यहाँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुकी हूँ, अंदर चल के आपको बताती हूँ यहाँ का मतलब डेकोरेशन कैसा है, स्पेसिंग कैसी और टेस्ट कैसा है, पूरे व्लॉग में बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ की डेकोरेशन की बात करें तो बहुत अच्छी, मतलब सुंदर है, ठीक ठाक है। और यहाँ पर देखिए, गैदरिंग और स्पेस की बात करें वो भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हो जाएगी। अगर आप लोगों को किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, एनिवर्सरी, ईटी चीज सेलिब्रेट करनी है तो वहाँ यहाँ पे इजिली हो जाएगी। 100 लोगों की गैदरिंग भी आराम से यहाँ पे हो जाएगी। और अगर आप लोगों को केक भी खरीदना है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हैं, 300 रुपए में आधा किलो का केक है। और कोल्ड ड्रिंक और भी यहाँ पे बहुत चीजें मिल जाएंगी। और फ्रेंड, जब आप खाना खाएंगे तो आप लोग पानी की बोतल लेनी पड़ेगी, वो इंक्लूड नहीं है, तो आपको पानी की बोतल भी एक या दो जो भी नीड पड़ेगी वो लेना पड़ेगा, तो उसका चार्ज भी पड़ेगा। और यहाँ पे आप लोगों को 14 तरीके की चीजें खाने मिलेंगी, साउथ इंडियन, इंडियन और चाइनीज में आप लोगों को चीजें मिलेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को चाइनीज चीजें सर्व करी जाएंगी। और फ्रेंड्स, वैसे तो पहले यहाँ पर ना खुद निकालना पड़ता था, बट अब ये क्या है, अब ये लोग प्लेटिंग लगाकर देते हैं, आप लोगों की सीट पे पहुंचाते हैं, और आपको जरूरत पड़े तो फिर से आप रिफिल करा सकते हैं। जैसे अनलिमिटेड है तो अनलिमिटेड आप चीजें ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर देखिए चौमिन है, मोमोज है, स्प्रिंग रोल है, और स्प्रिंग रोल की चटनी है, और फ्राइड राइस है, और मंचूरियन है, वेज मंचूरियन है। तो यहां पे अभी स्टार्टिंग में ये सब चीजें आपको मिलेंगी। पहले ये थोड़ी थोड़ी देंगे, बट आप इसको रिफिल कराना रहेगा करा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है अनलिमिटेड खाना है, बट आप जितना खा सके उतना लीजिए, वेस्ट बिल्कुल भी मत करिए फूड, और वेस्ट करना भी सही नहीं है फूड को। तो यहां पर देखिए, मैंने बहुत सारी चीजें खाई, जब मैं गई थी ना तो यहाँ पे बहुत भीड़ थी और मुझे बहुत देर तक वेट भी करना पड़ा था। हम सब दोस्त लोग बहुत वेट करें, बहुत दिनों के बाद मिले तो बहुत इंजॉय करें। और यहाँ पे मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश भी थी। और ना चाउमीन मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी, क्योंकि चाउमीन मुझे हर जगह की अच्छी नहीं लगती, और मुझे चाउमीन लवर हूँ मैं। तो यहाँ की AY रेस्टोरेंट की मुझे चाउमीन बहुत अच्छी लगी है, तो आप लोग यहाँ जाकर चाउमीन ट्राई कर सकते हैं। और पता है, यहाँ पे पहले मैंने बोला कि ये समोसा है, बाद में पता चला नहीं ये स्प्रिंग रोल है, तो मैं उस बात पर भी बहुत हंस रही थी। तो मैंने यहाँ पर खूब सारी चाइनीज चीजें खाई, वैसे लड़कियों की चाइनीज चीजें ज्यादा फेवरेट होती हैं, तो मैंने वो खाया। तो यहाँ पे ये है लड़कियों, अगर लड़के दो लोग जा रहे हैं ना, तो लड़कियों की फेवरेट होती है चाइनीज, और लड़कों का होता है इंडियन, तो दोनों का ना तालमेल बैठ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने चाउमीन खाई, बहुत मज़ा आया मुझे खा के। और उसके बाद यहाँ पर मैंने इंडियन खाना भी ट्राई किया, तो इंडियन खाना यहाँ का बहुत अच्छा, गजब का है। आपको यहाँ पे पनीर की सब्जी मिल रही है, और अच्छे खासे पनीर के पीसेस भी मिलेंगे, छोला भी आपको मिलेगा, रायता भी यहाँ पे मिलेगा, और फ्री आपको गुलाब जामुन भी मिलेगा, नान मिलेगी, जितना लेना है ले सकते हैं, और वेज क्या बोलते हैं, वेज पनीर की सब्जी भी है, दाल भी है। तो ऑल ओवर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप लोग ले सकते हैं, जैसे 14 टाइप की चीज़ें हैं ना, तो सब कुछ आपको यहाँ मिलेगी। पहले थोड़ा थोड़ा लिया है मैंने, इसलिए कि जिसे टेस्ट करके आपको बताओ कौन सा है। वैसे यहाँ पे सारी चीजें ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पे एवरेज है, और कुछ चीजें यहाँ पे बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मुझे ना ये नान वाली जो डलिया थी ना, ये बहुत अच्छी लग रही थी, मैं उसे चुरा के घर ले जाऊं, उसी बात पर मैं यहाँ पे बात करी थी। तो यहाँ पे मैंने नान ले लिया, और यहाँ पे मैंने हर एक चीज ट्राई करी, सिर्फ मैंने इसलिए ट्राई किया जिसे आप लोगों को रिव्यू दे सकूं कि यहाँ पर कौन कौन सी चीजें
ज़्यादा मतलब क्या अच्छा है ना, अब चावल भी आपको मिलेगा तो यहाँ पे हर आपको ऑल ओवर चीज़ें मिल जाएंगी, तो मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। मैं अपने दोस्तों के साथ गई थी तो मैंने फुल्ली इन्जॉय किया। अगर आप लोगों को भी जाना है तो आप लोग जा सकते हैं, आप लोग भी इन्जॉय कर सकते हैं। और कमेंट्स करके बताइएगा कौन कौन मेरा ये वीडियो देख के जा रहा है और कौन कौन जा चुका है, ये भी कमेंट्स करके बताइएगा। और इंस्टाग्राम पर मुझे अब तक नहीं फॉलो किया तो जाकर फॉलो कर लो, नवाबी क्यून शिवांगी नाम से है, तो प्लीज़ जाकर फॉलो करना मत भूलना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और सारी डिटेल मैंने ऑलरेडी दे दी है। और आप लोग कब जा रहे हैं यहाँ पे कमेंट्स करके ज़रूर मुझे बताइएगा। आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऐसे मुझे सपोर्ट करते रहिए, ऐसे मुझे प्यार करते रहिए। अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर देना, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक भी कर देना। चलो बाय बाय।